हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का फ्रेंड्स आपके लिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रहने वाला है, जिस पर भारत का एक एक नागरिक विश्वास करता है। उन्हीं खान सर की सामान्य ज्ञान की जो बुक है, उसका निचोड़ लेकर इस वीडियो के अंदर हम आए हैं। आपको फ्रेंड्स इसी बुक के माध्यम से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसमें SSC GD के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके पेपर के लिए आपके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार से सीरीज दी जाएगी, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, फर्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट करते चलें, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर क्लियर होते चलें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग पहले किसके नाम से जाना जाता था, फ्रेंड्स योजना आयोग के नाम से। इसका अध्यक्ष कौन होता है, फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 के अंदर हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। गुजरात के अंदर फ्रेंड्स क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ भी फ्रेंड्स गुजरात के अंदर स्थित हैं। गुजरात की समुद्री सीमा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स गुजरात के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु जल समझौता किसने करवाया था, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी फ्रेंड्स अपने हौसलों को बनाए रखेंगे, आखिर तक की सीरीज को अटेंड करेंगे और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देके जाएंगे कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। सिंधु जल समझौता किसने करवाया था, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व बैंक ने 1960 में। कब विश्व बैंक ने करवाया था फ्रेंड्स, 1960 में। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा आंसर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, तो प्यारे दोस्तों फटाफट से दीजिएगा आंसर कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चेनाब नदी है। चेनाब नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित हैं, क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से दो बार सुनेंगे कि बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित हैं, आपका फ्रेंड्स फटाफट से दीजिएगा आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। चेनाब नदी क्या होगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना आपकी चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है फ्रेंड्स। आपका अगली क्वेश्चन है, यहाँ पर सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से सुनेगा, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, आपको फ्रेंड्स उसके बारे में बताना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिन्हें जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक फ्रेंड्स आपको आपके हौसलों पर, अपने सपनों पर भरोसा नहीं होगा, जब तक आपके हौसले बुलंद नहीं होंगे, तब तक फ्रेंड्स आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके फ्रेंड्स यहाँ पर चाहे कितनी भी फैसिलिटीज आपको दे दी जाएं, असली जो आपकी ताकत है वो आपका हौसला, आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय है। तो इसे मजबूत कीजिए ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। आपका फ्रेंड्स सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर 3 सिपिकिला दर्रा है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपके फ्रेंड्स झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 झेलम राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 11 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 11 अक्टूबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए,
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपने पहले पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपका 11 अक्टूबर को। अब आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 को भारत ने सबसे पहले क्या किया था, अपने आप को पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा है वो की थी, अपने आप को पूर्ण स्वराज्य यहाँ पर घोषित किया था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी दोस्त फटाफट से आंसर कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कार्टोग्राफी कहते हैं किसको, मानचित्र के अध्ययन को। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जिसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले फ्रेंड्स किसके नाम से जाना जाता था, गेट के नाम से जाना जाता था, और WTO के अंदर ये कन्वर्ट हुआ था 1995 में। आपको फ्रेंड्स बताना है किसका मुख्यालय कहां से है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 जिनेवा में स्थित है। फ्रेंड्स कहां पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। आपका जिनेवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस से किस अंग को खराब करता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, कोरोना वायरस से किस अंग को खराब करता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फेफड़े को खराब करता है। फेफड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, कोरोना वायरस से किस अंग को प्रभावित होता है? आपका फेफड़े प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वेज नहर। आपका फ्रेंड्स स्वेज नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्या करती है फ्रेंड्स? लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ने का काम करती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहरें किस देश में स्थित हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। फटाफट से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मिस्र में स्थित है। आपका फ्रेंड्स मिस्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर में जो जहाज 23 मार्च 2021, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके पेपरों में आगे रखा मिलेगा कि स्वेज नहर में जो जहाज 23 मार्च 2021 को फंसा था उसका नाम क्या है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, एवर गिवन है। आपका फ्रेंड्स एवर गिवन है, जो स्वेज नहर में जहाज है 23 मार्च 2021 को फंसा था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तो थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मंजिल के लिए बस अपने लक्ष्य को, अपने विश्वास को, साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने सब्र को बनाए रखना है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 193.30 किलोमीटर है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को आपस में अलग करती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को आपस में अलग करती है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा फ्रेंड्स? एशिया महाद्वीप। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? आपका फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप आता है। महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को। और जबकि आपका अंध महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1859 में स्वेज नहर का निर्माण कार्य किस फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में शुरू हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1859 में स्वेज नहर का निर्माण कार्य किस फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में शुरू हुआ था, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपका फर्डिनेंड की देखरेख में। किसकी देखरेख में फ्रेंड्स? फर्डिनेंड की देखरेख में आपका 1859 में स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, आपका फ्रेंड्स ये क्या थे? फ्रांसीसी इंजीनियर थे, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर को किस वर्ष व्यापार के लिए खोला गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। स्वेज नहर को किस वर्ष व्यापार के लिए खोला गया था, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1869 के अंदर खोला गया था। किसको फ्रेंड्स? स्वेज नहर को, आपका फ्रेंड्स स्वेज नहर को 1869 में व्यापार के लिए खोला गया था। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा बंदरगाह है, क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा बंदरगाह है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आपका फ्रेंड्स स्वेज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? स्वेज बंदरगाह है कौन से छोर पर? दक्षिणी छोर पर। किसके? स्वेज नहर के, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी पढ़ के आए थे हम दक्षिणी छोर के बारे में, दक्षिणी छोर पर पढ़ा था आपका स्वेज बंदरगाह, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स उत्तरी छोर के बारे में कि स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 1, पोर्ट सैयद, आपका फ्रेंड्स पोर्ट सैयद बंदरगाह है जो स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर के मध्य मीठे पानी की कौन सी झील है, आपको फ्रेंड्स बताना है। स्वेज नहर के मध्य मीठे पानी की कौन सी झील है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आपकी फ्रेंड्स विक्टोरिया। यहां पर क्या है? स्वेज नहर के मध्य आपकी बेटा टिम्सा झील है जो आपकी क्या मीठे पानी की झील है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है, क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार जुड़े हैं आप लोग फ्रेंड्स से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक दिन की बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों में अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र की राजधानी क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मिस्र की राजधानी क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक दिन के सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप बेहतरीन मॉक टेस्ट का सीरीज का फायदा उठा सकें जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी, चाहे आप सेंटर या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर आपसे एक नए बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बेहतरीन रहने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।